नमस्कार, प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। आजकल में आज बात कोरोना योद्धा डॉक्टर सचिन नायक की। डॉक्टर नायक ने अपने समर्पण और कर्तव्य परायणता से न केवल मरीजों का दिल जीता है, बल्कि कई जानी मानी हस्तियों ने भी उनके जज्बे की सराहना की है। डॉक्टर नायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोविड-19 के खिलाफ शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने भी लोगों से बार बार हाथ धोने, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन नायक। इस महामारी के दौरान मेरे कई तरह के अनुभव रहे हैं और मुझे खुशी होगी कि मैं आज आपके साथ उनको शेयर कर सकता हूँ। सबसे पहले तो जो लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक किसी भी वैक्सीन के परिणाम 100% नहीं है। कोई सी भी वैक्सीन इस बीमारी को हाल फिलहाल में 100% खत्म करने में सक्षम नहीं है। तो वैक्सीन का इंतजार करना और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करना एक अपने आप में कहीं ना कहीं दुख का कारण बन सकता है। शासन प्रशासन द्वारा भी पुरजोर कोशिश की जा रही है और गांव कस्बे तक इस मैसेज को पहुंचा दिया गया है कि मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा हमारे पास दूसरी कोई दवाई नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है। और कई जगह किसान भाई, मजदूर भाई मुझे इन प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए नजर भी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके और हमारे बीच कुछ गैर जिम्मेदार व्यक्ति जो कि बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं, वह खुद के लिए भी, आपके लिए भी, हमारे लिए भी कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम कर रहे हैं और इस कोविड-19 की चेन को बाजार से अपने घर तक ले जा रहे हैं, जो कि उनके परिवार के लिए भी घातक सिद्ध हो रहा है। मेरे इस सफर के दौरान लॉकडाउन, जो कि अपने आप में काफी नया, डरावना, भयानक सा टाइम पीरियड था, किसी को कुछ भी समझ में नहीं था कि क्या करना है, कैसे कोरोना से बचना है। लेकिन जो मेरे चिकित्सक भाई, पुलिसकर्मी, सभी को अपनी ड्यूटियां करनी थी, लेकिन साथ में जो कोरोना का भय पूरी दुनिया में फैला हुआ था, हम लोग भी उससे अछूते नहीं थे। लेकिन इसके चलते हुए भी सभी लोगों ने अपनी ड्यूटी को समझा और इसे अपने अपने तरीकों से करने की कोशिश की। लॉकडाउन के दौरान सैंपलिंग, जो कि हमें गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर करना थी, लोगों के लिए भी काफी अपने आप में नया था। काफी लोग इसे समझ नहीं पा रहे थे, उन्हें समझाना काफी कठिन हो रहा था। इस दौरान कई तरह की मानसिकताओं के साथ हमारा आमना सामना हुआ। कुछ लोगों को हम समझा पाए, कुछ लोग ऐसे थे उनके अड़ियल रवैये के कारण लोग नहीं समझे। कुछ ही दिनों में वो लोग मुझे आईसीयू में मिले। उस व्यक्ति ने उस दिन आईसीयू में मुझे अपने व्यवहार के लिए मुझसे माफी मांगी, लेकिन उस रात उस व्यक्ति के लिए एक चिकित्सक के पास आंसू के अलावा कुछ न था। मेरे द्वारा और मेरे सीनियर के द्वारा काफी कोशिश की गई, लेकिन हमें संतोषजनक परिणाम नहीं मिल पाया। काश वो हमारी बात सुनता और समय पर हॉस्पिटल आता तो उसे वो दिन नहीं देखना होता, कहीं ना कहीं वो स्वस्थ रहता, इस बीमारी की चपेट में नहीं आता। कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग क्वारंटाइन सेंटर से भागने की कोशिश की। एक किस्सा याद है मुझे कि एक व्यक्ति क्वारंटाइन सेंटर से भागने में सफल रहा, लेकिन कुछ 9 या 10 दिन बाद हमें उसी के घर से फोन आया और कहीं उसकी मदर जो है वो कोरोना की चपेट में आ चुकी थी, काफी सीरियस थी। जब हमारी टीम वहां पहुंची तो ऑक्सीजन सेचुरेशन काफी ज्यादा फॉल हो चुका था। हमने उनको उनके घर से हॉस्पिटल तक लिफ्ट किया, लेकिन अगले ही दिन काफी बुरी खबर हमें मिली। कहीं ना कहीं उस पेशेंट को भी उसके बाद उसकी गलती का एहसास हुआ। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इसकी कोविड-19 की गंभीरता को समझें। हो सकता है आप जवान है, यंग है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो आप इससे अछूते रहें, आपको सिम्टम्स ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं आप आपके परिवार तक इस इन्फेक्शन को ले जा सकते हैं, तो इसकी गंभीरता को आप समझिए। एक बार फिर आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मी, मीडिया कर्मी, इनके त्याग को समझें, इनके परिवार के दुख को पहचानें और इस मुहिम का हिस्सा बने। कसम खाएं कि मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करेंगे और इस महामारी पर विजय पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।